उत्तरकाशी के टनल में फंसे बांका जिला के युवक वीरेंद्र किस्कू 17 दिन बाद शुक्रवार देर शाम घर वापस आए। उनके आने पर घर परिवार रिश्तेदार व गाँव वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मौके पर कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम भी उनके घर पहुंची और परिजनों के साथ वीरेंद्र किस्कू को फूलमाला से स्वागत किया और खुशियां मनाई। वीरेंद्र को मिठाई खिलाकर लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दी। बता दें उत्तरकाशी टनल हादसा में फंसा बांका जिला के जयपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी वीरेंद्र किस्कू टनल से 17वें दिन बाहर निकले, जिसके बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। वीरेंद्र की मां सुषमा हेम्ब्रम ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और गांव समाज के घरों में मिठाइयां बांटी। वीरेंद्र किस्कू उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए थे और 17वें दिन बाहर निकले, जिससे गांव समाज परिवार में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मां सुषमा हेम्ब्रम ने बताया कि वीरेंद्र किस्कू के टनल में फंसने से हम लोग काफी दुखी और चिंतित थे। हमारे घर में दीपावली में दीपक भी नहीं जला, छठ पूजा गया, हम लोग काफी दहशत में थे। जैसे ही बेटा बाहर निकला, घर आया, अब दिवाली मनाऊंगी। पूरे परिवार के लोगों ने वीरेंद्र के घर आने की खुशी में खूब पड़ाके फोड़े, रंग अबीर गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर लोगों को बधाई दी और घर में दीपक जलाकर दीपावली मनाई। विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने बताया कि हमारे परिवार के युवक वीरेंद्र किस्कू उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए थे, उनके निकलने के बाद घर वापसी हुई। घर परिवार एवं आमजनों के साथ उनका माला पहनाकर स्वागत किया है। खुशी जाहिर की कि वीरेंद्र घर परिवार से काफी लगाव रखता था, इनका तरक्की दिन दोगुना रात चौगुना हो। वहीं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी सराहना किया, जिससे टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालकर घर परिवार तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। 17 दिन आप टनल में फंसे रहे, यह हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा तो कुदरती था। मतलब उस टनल में मैं 5 साल से काम करता हूं। स्टार्ट से लेके आज 2030 तक ये पूरी खुदाई हमारे रहते हुए हुई है। उसमें कोई लापरवाही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुदरती है। होने का था वो हो गया, उसमें किसी की लापरवाही नहीं। 17 दिन का अंतराल जो था हमारा, पहला शनिवार मतलब संडे की रात, संडे की मतलब शनिवार का सुबह, संडे का स्टार्ट 5:30 बजे आसपास लाइट हुआ। 5:30 बजे जो सुबह के टाइम पे टनल बंद होगी पूरी आगे से, तो एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज़ था, बड़ा खतरनाक आवाज़ था, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला। हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पाइप से बाहर आवाज चली जाती थी, और ऑक्सीजन क्या बाहर से कैसे गई थी? इसके लिए ऑक्सीजन जो था वो हमें 24 घंटे के बाद मिला, और बाहर के आदमियों से कांटेक्ट हमने 3 दिन के बाद। अच्छा, कैसे? पाइप से? पाइप के माध्यम से, पाइप लाइन के माध्यम। जब आपको लगा कि हम फंस चुके हैं, तो उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, हम लोग एक्चुअली कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें हमारे सेफ्टी के जो साहब लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अगर फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फॉलो किया। पहले पाइप को कटिंग किया, इसके बाद उससे बाहर वाले को इंडिकेट किया पानी छोड़ के। 2-3 बार हमने पानी छोड़ा बाहर में, तब उन लोग को इशारा मिला कि नहीं, और वो पाइप कट दिया है। फिर बाहर से हमें ऑक्सीजन 24 घंटे के बाद। टनल के माहौल के बारे में बताइए, वहाँ आप पूरा दिन कैसे बिताते थे? टनल का जो माहौल था वहाँ पर हम लोग 41 मेंबर्स थे, 41 मेंबर थे। तो 41 मेंबर हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना है, क्या होगा, नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये हम पूरे 41 मेंबर एक साथ बैठ के तर्क वितर्क करके ही अगला कदम, अगला स्टेप जो करना है वो करते थे। जो भी बाहर से आता था वो मेल बांट के साथ। अच्छा, रेस्क्यू जो आपका हुआ उसके लिए आप किसको धन्यवाद दीजिएगा? या रेस्क्यू हुआ है वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को, और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो चुका है जो आज हम आप लोग के सामने हैं। और आप लोगों का प्यार, हमारे घर का प्यार, यही सब है जो कि हम आप लोग के साथ आए। मालवीय में आपको हौसला कैसा लगा? हौसला तो 24 घंटा बिल्कुल हम लोग हताश हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था, बाहरी दुनिया का संपर्क टूट गया था हमारा। उस टाइम तो हम कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जब हमें एक्चुअली बाहर से जब ऑक्सीजन मिलना चालू हो,
तो हमें ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से उत्साह आ गया कि नहीं, हमको बाहर वाले जान रहे हैं, रेस्क्यू करने के लिए वो लोग तैयार हैं, काम हो रहा है। जब बाहर से खाना कितने दिन के बाद आपको मिला टनल? चलिए हम 7 दिन सिर्फ मुढ़ी खा के रुके। 7 दिन? 7 दिन। इसके बाद हमें फूड्स मिले, खाना मिला सारा, कपड़ा मिला, खाना मिला, माल सर से लेके पैर तक सारा सुविधा टनल के अंदर। मलबे के बाद टनल में कितना खाली स्पेस था? मलबे गिर जाए मलबे के बाद हमारा टनल 2 किलोमीटर का पूरा स्पेस, 2 किलोमीटर। बाहर से खुदाई का काम काफी मुश्किल लग रहा था, 17 दिन आपको कभी लगा कि खुदाई नहीं हो पाएगी या कुछ? हमें डेली की एक्टिविटी हमें दी जाती थी, हमें अंदर में ही हमें सूचना मिल जाता था कि क्या कर रहे हैं, वो अपडेट मिलता रहता था। हाँ, पर डे का अपडेट हमें मिलता। उसने शायद आपके को टीम लीडर गब्बर सिंह थे, गब्बर सिंह नेगी हमारे, गब्बर सिंह नेगी, वो आपके आप लोगों को सबमिट करके और हौसला देते थे, हिम्मत देते थे। 41 लोगों की टीम के बारे में बताइए, उन्हें कौन लीड कर रहा था? 41 आदमी का टीम में हम 11 मेंबर कंपनी के थे, बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर थे। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर से 29 नवंबर की देर रात शादी की नियत से एक नाबालिग युवती का अपहरण करने लेने का मामला सामने आया है। उक्त युवती की मां ने अपहरण करने का आरोप गांव के ही सागर कुमार नामक युवक पर लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस से भी की है। युवती की मां ने बताया कि युवती यह कहकर घर से निकली कि बगल से आ रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन पता चला कि शादी की नियत से ही गांव के सागर कुमार ने अपहरण कर लिया है, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस से की है। लड़की के परिजनों की मांग है कि लड़की को घर वापस भेज दिया जाए। पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है। सागर कुमार नामक शख्स पर अपहरण करने का आरोप लगाया गया है, लड़की नाबालिग है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सबौर थाना में केस किया है, मेरी लड़की को लेकर भगा के चला गया। कौन लेके? सागर कुमार, इसमें हाथ है मिट्टू पासवान का, राहुल पासवान का। जब हम खोज करने लगे, जब हम उन लोग के घर पर गए तो वो लोग गाली गुप्ता दे के हमको मारने के लिए भैया दी कि मेरे घर पे नहीं आना। कौन भैया आपको? सुनील पासवान, बबीता देवी, रंजू देवी, विलास पासवान, मिट्टू कुमार। अच्छा, भगा दी हम औरत के जाते, हम भाग गए। आवेदन दिए था ना? जी आवेदन दिया था, तो वो बोली सी क्योंकि हम लड़की को ला के दे रहे हैं, तब आवेदन 1 दिन के लिए रोक दिया। फिर जब उसके घर पर गए, कौन रोका? रंजू, विलास, मिट्टू पासवान। जब हम उसके घर पर फिर सवेरे होके गए कि लड़की अभी तक नहीं आई है, हम आवेदन आगे बढ़ा रहे हैं, तो पुलिस की जो करना कर लीजिएगा, पुलिस मेरे घर पर आएगा तो हम हिंदू मियाँ में रेड करा देंगे, मार के आपको गिरा देंगे। कौन बोला ये बात? अभी बोल रहा डिम्पल, दीवा और बेबी, राहुल की चच्ची लोग, मिंटू पासवान, राहुल का चाचा सुनील, राहुल का पापा बबीता। लड़का कहाँ का? लड़का जो भगाने वाला कहाँ का है? वो हरियो का, बीपुर हरियो का, मगर वो रहता बंसी टीगर में बहुत दिन से चाचा के पास। उसका बाप विकलांग है, उसकी मम्मी मर गई है, बच्चे में वो एक ही भाई है। लड़का का मामला है, लड़की जहाँ तक है कि सुनते हैं कि नाबालिग है, और इससे कुछ दिन पहले भी एक घटना हो चुकी है, वो भी लड़की नाबालिग थी, और ये सब चीज़ जो है तो समाज पे बुरा असर पड़ता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ का सुधार होना चाहिए। लड़की अगर बालिग रहती तो वो कानून भी उसको इजाज़त देता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं, लेकिन ये जो नाबालिग है, नाअकल है, वो जो चली जाती है, ये सब चीज़ गलती है, ये सब चीज़ का सुधार होना चाहिए समाज में, और कुछ नहीं। प्रशासन से यही मांग इन लोगों का कहना है कि लड़की जो है तो घर पर आ जाए, ठीक है, और जो ये चीज़ करी से उसको जो है तो सजा दिया जाए, जो भी हो, इसलिए कि दोबारा ऐसा समाज में नहीं हो। एक दूसरे पे समाज पे बुरा असर पड़ता है, एक दूसरे पे असर पड़ता, आज अगर एक हुआ तो उधर से भी होगा, इधर से भी होगा, वो समाज पे दूसरे हमारे घर में भी आग आवेगा, छींटा लगबे करेगा। अगर आग कहीं और लगता है तो हमारे घर में भी छींटा आवेगा, तो समाज पे बुरा असर पड़ा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलफराज। क्या है आप? यहाँ के हम वार्ड सदस्य हैं। क्या नंबर? 2 नंबर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है, और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल मेरी साई कथा, अनकही सहित कई सीरियल में काम करने वाली भागलपुर की बेटी सुष्मिता सहेला अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूं तो भागलपुर ने पूरे भारतवर्ष में कई चीजें दिए हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, भागलपुर की बेटियां किसी से कम नहीं है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी के बाद अब भागलपुर की बेटी मुंबई में धमाल मचा रही है। भागलपुर के तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता सहेला ने बताया कि पहले उन्हें कई छोटे छोटे एड में काम मिलता था, तब जाकर यह मुकाम उन्हें हासिल हुआ। लगातार अपने अभिनय के दम पर भागलपुर की तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता ने मुंबई में अपनी पहचान बनाई और टीवी पर आने वाले कई सीरियलों में उन्होंने काम किया। सुष्मिता ने कहा कि मैं भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से अपनी पढ़ाई की हूं और स्कूली पढ़ाई के समय से ही मेरा सपना था कि टीवी और बड़े पर्दे पर आना, साथ ही मेरा सपना है बड़े पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने की। सुष्मिता ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, लेकिन बिहार से होने के नाते मैं अपने घर वालों को सीधे तौर पर यह नहीं कह पाती थी कि मुझे फिल्म में काम करना है। इसके लिए मुझे निफ्ट की मदद लेनी पड़ी यहाँ से पढ़ाई करके। पहले मैं डिजाइनर बनी, कई एक्ट्रेसेस व टीवी सीरियल के कलाकार के यहाँ डिजाइन का काम किया, उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियल में मौका पाकर अपना अभिनय दिखाई और अभी मैं कई सीरियल्स में काम कर चुकी हूँ। उन्होंने बताया कि मैं सोनी टीवी पर आने वाले धारावाहिक मेरे साई कथा, कहीं सहित कई सीरियल में काम कर चुकी हूँ, अब आने वाली सीरियल कथा में भी बहुत जल्द लोगों के बीच दिखूंगी। सो आई थिंक माई जर्नी वॉज डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है कि चूंकि मेरी एडमिशन जो सफर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है एजुकेशन, हो बहुत जरूरी है। अगर आप इस फील्ड में एजुकेटेड नहीं है सो सॉरी यू कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ। बहुत चूंकि मेरी पढ़ाई कामल से होने के साथ साथ आई वॉज स्टूडेंट ऑफ कामल, देन आई डिड माई निफ फ्रॉम बैंगलोर और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी बॉम्बे में किया। सो इट वाई इट वॉज ईजी, मैं हमें बार बार यही बात कह रही हूँ कि मेरा सफ़र मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ों ने मेरी मदद की है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टडी फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू कैन यू नो शाइन लाइक अ स्टार। आज मुझे वहाँ पे कभी ये किसी ने नहीं कहा हुआ कि अरे ये कौन है, कहाँ से है। सो व्हेन समबडी से कि बिहार से हो, आई प्राउडली से दैट यस आई एम फ्रॉम बिहार एंड बिहार इज अ सिटी व्हिच हैज गिवन सो मेनी थिंग्स, आप लोग सब जानते हैं। सो दैट्स द थिंग। सुष्मिता किस किस टेलीविजन? 2019 से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, जब मैं एड्स करती थी, छोटे एड्स करती थी। उसके बाद मैंने कुछ कैमियोज भी किए हैं कुछ सीरियल में, इश्शुभान अल्लाह और भी सीरियल्स जिसमें मैंने कैमियोज का काम भी किया है। बट अगर इम्पैक्टफुल जर्नी की अगर हम बात करेंगे तो वो जर्नी शुरुआत हुई थी मेरी मेरे साईं, सोनी टेलीविजन मेरे साईं से, और साईं के आशीर्वाद से। मैं यही कहना चाहूँगी साईं के आशीर्वाद से आई गॉट कथा एंड कथा हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट वॉज द रोल विच मेड मी रियलाइज दैट यू नो I am a actor with emotions. Why? Because I was playing a character which had navras in it, all the emotions. अगर आप emotions की बात करेंगे तो sad से लेकर, खुशी से लेकर, pain से लेकर, दर्द से लेकर, उदासी से लेकर, हर चीज मुझे emote करने का मौका मिला। और ये बहुत कम actor को ये चीज मिलता है कि आप हर इमोशंस को इमोट कर सकें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वो किरदार मिला। सुष्मिता, लगता है कि मैं कोई भी किरदार बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ, बिकॉज एक्टर का काम यही है कि आपको जो भी किरदार मिलेगा आप उसको प्लीज अच्छे से जिए। आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको जीना है उस किरदार को। एंड दैट थिंग मेरा परिवार और मेरे पिताजी, माई फादर हैज़ बीन अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी। और बहुत कम लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं वो उनको कराया जाता है। सो आई थिंक माई फादर, आई एम थैंकफुल टू हिम टूडे ऑल्सो,
एंड फॉर एवर इन माई लाइफ कि जो मैंने चाहा, जैसा मैंने चाहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है. तो एक गार्जियन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सपोर्ट. बहुत बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज वो गार्जियनशिप की कमी होती है, या बच्चे अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं. बट मेरे पिताजी की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ, और मेरी माता जी का तो योगदान है ही, वो दैट्स अनपैरेलल, उसका कोई अतुलनीय है वो चीज़. मगर मेरे पिताजी ऐसे रहे, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ डॉटर, ही नेवर थॉट कि एक लड़की है वो बाहर कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी. वो हमेशा यही इनकरेज किए कि मेरी बेटी को ये करना है तो उसको वो चीज़ करेंगे, और वो जिस भी फील्ड में जाए उसमें उत्तीर्ण करे. सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम. और मैं ये कहना चाहूँगी, हर बेटी को ऐसे पिता मिलने चाहिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें. सो मैं कथा अनकही में काम कर रही थी सोनी टेलीविजन पे, एंड दैट इज़ आई थिंक दैट शो, क्योंकि बचपन से हमने टीवी देखा है, और बचपन से मैं टीवी देखती थी, तो मैं एक हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं भी शायद टीवी में काम करूंगी. तो आई थिंक टुडे व्हेन आई एम वर्किंग इन दैट सीरियल इज नॉट जस्ट अ सीरियल, इट्स अ आई मीन, उस सीरियल के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके जैसा शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन नहीं आया. कथा अनकही इज द नंबर वन शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन आई वुड से. एंड जो मुकाम कथा अनकही ने पाई है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, दैट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज आई थिंक द डायरेक्टर जो उनके थे, आई मीन. अगर आपने नगर निगम में अपनी संपत्ति कर जमा नहीं कराया है तो जल्द आपके वार्ड में भी शिविर लगने वाला है जिसमें आप जमा करा सकते हैं. नगर निगम के द्वारा जिन लोगों का बकाया संपत्ति कर है उन लोगों का संपत्ति कर जमा करने के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द अपना बकाया संपत्ति जमा कर सके. इसे हर वार्ड में लगाने की कवायद शुरू हो गई है. जानकारी नगर निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने कहा अभी वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 10 में यह शिविर लगाया गया है. बहुत जल्द सारे वार्ड में यह शिविर लगाया ताकि लोगों को अपनी संपत्ति कर जमा करने में कहीं कोई परेशानी ना हो. नगर निगम के द्वारा जिन लोगों का बकाया संपत्ति कर है उन लोगों का संपत्ति कर जमा कराने हेतु यह शिविर लगाया गया है ताकि वो जल्द से जल्द अपना बकाया जो भी संपत्ति का उसको जमा कर लें. और इसे अभी हम लोग हर वार्ड में लगा रहे हैं, जैसे जो अभी वार्ड 10 में भी चल रहा है शिविर, और अभी ये वार्ड 43 में चल रहा है. यहाँ नगर निगम का संपत्ति कर जमा हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स. जीवन जागृति सोसाइटी ने अनूठे अंदाज में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की. जागरूकता पर काम करने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने रोचक अंदाज में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान रथ की शुरुआत की. इसे सैंडलिस कंपाउंड के दक्षिण गेट से शहर के सीनियर शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर नवजीवन, मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज मनस्वी एवं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसमें एक गाड़ी के ऊपर एक युवक को लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ बैठाया गया था जिसके हाथ में सिगरेट और कई बोतल था. यह गाड़ी आगे बढ़ाई गई और पीछे से सनरूफ से बाहर निकलकर डॉक्टर अजय सिंह ने माइक से लोगों को नशा की चपेट में नहीं आने और नशे की आदत से बाहर आने के लिए युवाओं से अनुरोध किया. पंपलेट भी बांटे गए और नशा को हाथ नहीं लगाने हेतु गीत भी गाए गए. मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि युवक को लोहे की जंजीर पहनाने का मतलब है कि ठीक इसी तरह से नशे की आदत रूपी जंजीर से युवक जकड़ रहा है. एक बार यदि आदत पड़ जाए तो जैसे जंजीर में बंधा हुआ कोई व्यक्ति अपने को आसानी से आजाद नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह की स्थिति नशे की आदत में होती है. जो एक बार लग जाए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने अभिभावकों और युवाओं से अपील किया कि नशे वाले पदार्थ को जिंदगी में कभी नहीं चखने का प्रण ले, अन्यथा वो नासूर बन जाता है. वहीं डॉक्टर नवजीवन ने कहा कि नशे की आदत से भी आजाद हो सकते हैं, बस इसमें हौसले की जरूरत है और अभिभावक इसके लिए समय दे और उचित प्रक्रिया अपना कर इसको छुड़ाने का प्रयत्न करे. मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज मनस्वी ने कहा कि गांजा, भांग, ब्राउन शुगर इत्यादि के अलावे कई तरह के दवाई के सेवन से लोग आदि हो रहे हैं. इसमें से सबसे खतरनाक ब्राउन शुगर है जो बहुत जल्द ही किसी व्यक्ति को आदि बना देता है. अतः इन सब बातों से अपने बच्चों को दूर रखे. साथ ही कहा कि यह वायरस जैसा पास में रहने से तो नहीं फैलता लेकिन संगत से जरूर फैलता है. एक बार यदि आपके मोहल्ले में ड्रग सप्लायर घुस गया, किसी को हमें सिकंजे में ले लिया, तो आपका घर भी इसकी चपेट में आ सकता है. अतः अपने मोहल्ले में हो रहे गतिविधियों पर सभी लोग नजर रखें. यह जागरूकता रथ कचहरी चौक होते हुए खलीपा बाग से बुढ़ात मोहल्ला, बड़ी खंजरपुर, तिलका मांझी मोहल्ले के अंदर जाकर लोगों को माइकिंग एवं पंपलेट द्वारा जागरूक किया गया. लोगों ने इस अनूठे अंदाज से निकाली गई जागरूकता अभियान को काफी उत्सुकता पूर्वक सुना और ध्यान दिया. इस मौके पर संस्था के सचिव सोमेश, कोषाध्यक्ष राकेश माही, राज सिंह, बाबुल बे, कुमार गौरव, मृत्युंजय इत्यादि मौजूद रहे.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नशे में जकड़ा एक युवक है और वो नशा जंजीर के रूप में है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक जंजीर बंधा हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने आज नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक युवक को जंजीर में दिखाया कि वो नशे के जंजीर में जकड़ा हुआ है। और यह किसी भी वर्ग में हो सकता है, गरीब ही नहीं, इसमें पढ़े लिखे अच्छे घराने के बच्चे भी फंस जाते हैं और यह एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। हमारे भागलपुर भी इसका शिकार होते जा रहा है। शराबबंदी के बाद नशा, इस तरह का नशा, ब्राउन शुगर और दूसरे नशा पर जोर पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस पर भी ध्यान दे, जिस तरह से शराबबंदी आपने लागू किया है, दूसरे नशे पर भी आन जान और प्रतिबंध लगाएं और गहन चेकिंग करें कि ताकि उसका सप्लाई बंद हो। तो सप्लाई और यूजर के चैन को तोड़ना जरूरी है, साथ ही समाज में जागरूकता देना जरूरी है कि नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। जिस उम्मीद से आपको पढ़ाया है आपके फादर मदर ने, बच्चे के अभिभावक बेचैन हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी एक लाश की तरह हो जाती है जिसके बच्चे नशे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है, मोहल्ले वाले को रहने की ज़रूरत है, वार्ड पार्षद को सचेत रहने की ज़रूरत है कि नशाखोरी का कोई भी युवक यदि मिले तो उसको उचित मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और जो भी तरीके हैं इसको छुड़ाने का वो करें, छुपाएं नहीं, छुपाने से और बढ़ेगी। पंकज मनस्वी, मैं जिले का गैर संचारी रोग पदाधिकारी हूं और तम्बाकू नियंत्रण कोषांग का भी मैं नोडल पदाधिकारी हूं। मैं सराहना करता हूं जीवन जागृति सोसाइटी के पहल की कि इन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के अपने ज़िले में अभियान छेड़ा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नशा के बारे में चूंकि मैं एक मनोचिकित्सक भी हूं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नशा जो है ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है। इसके एक सिर्फ व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, इससे पूरा परिवार, पूरा समाज प्रभावित होता है। अभी भागलपुर शहर के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो है हमारे लिए ब्राउन शुगर, जो BS बोलते हैं, इससे जो है नई पीढ़ी इसके शिकार हो रहे हैं और ये जो है बाकी अन्य नशा से अलग है। इसके बारे में कुछ और बोलूँगा कि ये एक्चुअली नशा नहीं है, इसको आप पॉइजन बोल सकते हैं, स्लो पॉइजन है। बाकी नशा में क्या होता है कि आदमी को ज़रूरी नहीं है कि उसको नुकसान होगा या कब होगा, लेकिन ब्राउन शुगर ऐसा चीज़ है कि इससे हर जो भी इसका सेवन करेगा उसको नुकसान होना ही है। ये इतना भयावह है कि इससे एक साल के अंदर जो है व्यक्ति का वज़न जो है 5 से 10 किलो कम हो जाता है और वो बूढ़ा दिखने लगता है। तो और ब्राउन शुगर के बारे में सिर्फ 2 डोज इसको देना पड़ता है, आप किसी भी व्यक्ति को 2 डोज इसका दे दीजिए, 3रा डोज वो खुद मांगेगा आपसे, भले उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ब्राउन शुगर को लेकर के अभी जागरूकता अभियान की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं तंबाकू का नोडल पदाधिकारी हूँ, तो हम लोग की मिल करके हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है कि तंबाकू जैसे नशे को हम लोग जिले को कोशिश करें कि हम लोग धूम्रपान मुक्त और तंबाकू मुक्त बनाने में सब लोग सहयोग करें। भागलपुर में महिलाओं की बीमारी पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में दर्जनों डॉक्टर एकत्रित हुए और अलग अलग राज्यों के डॉक्टर ने अपना अपना अनुभव साझा किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पटना से आई डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, गोरखपुर से डॉक्टर साधना, शहर से डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर संगीता मेहता, डॉक्टर पूजा यादव, डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर वर्षा सिंह के अलावे दर्जनों महिला चिकित्सक उपस्थित थी। वहीं महिलाओं में होने वाली कई तरह की बीमारियों पर कई तरह की चर्चाएं हुई, साथ ही 30 से अधिक बीमारियों पर किए गए रिसर्च पर डॉक्टर इमराना की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी हाल में घर में प्रसव ना करें, जब प्रसव की स्थिति आए तो अस्पताल में ही प्रसव कराएं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान सुरक्षित रहेगी। हम लोगों का क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि मतलब जो गहन चिकित्सा, गहन जो बहुत ख़राब बीमारियां, कभी कभी क्या होता है कि औरतों को जो प्रेगनेंसी के समय कभी कभी बहुत सीरियस हो जाती हैं, तो नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, उनको ICU में भेज देते थे और केवल ICU में ही उसका ट्रीटमेंट होता था। हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, ज़्यादा जानते नहीं थे। उसी की ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब जो गहन प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हम लोग टैकल करें, उसके ऊपर ये 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पर
और सेमिनार हुआ है जिसमें बाहर से ऑल ओवर इंडिया और बाहर के भी मतलब विदेश से भी लोग बाग आए हैं और ये हम लोगों को मेनली अपडेट करने के लिए है। हम लोगों का जो हमारा ये मतलब गायनी सोसाइटी है, जो हमारे स्त्री लोग विशेषज्ञ हैं, उनको अपडेट करना है कि कैसे इस तरह के जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको कब कैसे आपको डायग्नोज करना है, कैसे उनको टाइमली ट्रीटमेंट करना है और कैसे उनको टाइमली रेफ़र करना है। अगर आप अपने से नहीं उसको कर पा रहे हैं या आपके यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो कैसे आपको कहाँ ICU में भेजना है, या अगर आपको बाहर भागलपुर के बाहर भी अगर आपको भेजना है तो कैसे उनको वहाँ तक भेजना है। तो इसी के ऊपर हम लोगों की 2 दिन की कार्यशाला थी जो कि भागलपुर ऑब्सकाइनी सोसाइटी के द्वारा कराई गई थी। ये हमारा नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी, उसके अंतर्गत हो रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग को चेयरपर्सन हूँ। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 3 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट युवा कप का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन मैच छत्रपति एवं लतीफी सिल्क क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार, सदर SDO धनंजय कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर युवा कप के आयोजक व नगर निगम वार्ड पार्षद संदिल नांदिकेश ने कहा कि युवाओं के प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए भी जैकपॉट होगा। एक और खिलाड़ियों के लिए जहां आकर्षक इनाम है, वहीं दर्शकों के लिए भी हर एक गेंद पर इनाम रखा गया है। जिला स्कूल मैदान में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और दर्शक दिखे। टूर्नामेंट के विषय में बताया जाए जी, ये युवा कप है, ये इसका सीजन 3 है। पिछले 2 साल से हम युवा कप करते हुए आ रहे हैं। युवा कप कराने का मेन मकसद है, आज के जमाने में जो युवा नशा की ओर और बेरोजगारियों की ओर भटक रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि आप सेहत के प्रति थोड़ा सजग रहें, थोड़ा अपने लिए और अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचें। खेल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकली भी इफेक्टिव रहता है। और युवा कप है कि ये युवा कप में सिर्फ भागलपुर शहर के ही लोग खेल सकते हैं। और इसमें युवा कप की खास बात क्या है कि इसका आयोजक भी युवा रहते हैं, इसमें प्रायोजककर्ता भी युवा रहते हैं, इसमें जो प्लेयर्स रहते हैं वो भी युवा रहते हैं, हमारे गेस्ट भी युवा रहते हैं, चीफ गेस्ट भी युवा है, और साथ ही साथ आप पत्रकार बंधु भी हमारे साथ जो आज जनता को इस माध्यम से हम लोग जो बोल रहे हैं ये भी हमारे साथ युवा हैं। इसके लिए इस शहर में विगत 3 साल से, और हम सोचते हैं कि आने वाले हर साल एक बार हम लोग जरूर युवा कप कराएं, जिसमें शहर के सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और वो क्रिकेट की ओर और गेम्स की ओर आकर्षित रहें, नशा की ओर नहीं भटकें। ये हमारा मेन मकसद है। आज हरियाणा पंजाब के लोग मेडल लेकर आ रहे हैं और हम बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें धुतकार दिया जाता है, इसलिए हम चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता के बीच में ये बात बोलना भी चाहते हैं कि हम लोगों को जितना पढ़ते हैं उतना खेलना भी चाहिए। अगर आप भी जैस्मिन तेल और हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खरीदारी बाजार से कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में नकली जैस्मिन तेल और हेड एंड शोल्डर शैम्पू काफी मात्रा में बिक रहा है। मैरिको इंडिया लिमिटेड कंपनी का नकली व फर्जी जैस्मिन तेल और हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाकर बाजार में कई महीनों से बेचा जा रहा था। इसको लेकर मैरिको इंडिया लिमिटेड कंपनी के जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद शुक्रवार को अकबर नगर बाजार स्थित शंकर मंडल के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में जैस्मिन तेल पाउच, शैम्पू रैपर व खाली बोतल बरामद किया गया। इसमें भरा हुआ जैस्मिन तेल 90 ml 606 पीस, खाली बोतल 90 ml 1670 पीस, ढक्कन 1800, रैपर 273 व अन्य छोटा रैपर 373,000 हेड एंड शोल्डर शैम्पू 2880 पीस बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष चंद्र कुमार ने बताया कि मैरिको इंडिया लिमिटेड कंपनी की जांचकर्ता रंजीत कुमार ने इस बाबत मामला दर्ज कराया है। बता दें कि शंकर मंडल के घर में फर्जी आधार कार्ड और फर्जी नाम बताकर कपड़ा बेचने को लेकर मकान भाड़े पर लिया था। कपड़ा बेचने की आड़ में नकली जैस्मिन तेल तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहा था, जिसकी भनक कंपनी के जांचकर्ता को लगा। सारे सामान को बरामद किया गया, वहीं कारोबारी मौके से फरार हो गया है। मकान मालिक शंकर मंडल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है व कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाने और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसको लेकर विशेष तैयारी अभी से शुरू हो गई है। विशेष तौर पर 18 वर्ष से 24 वर्ष के युवाओं को जागरूक करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है, जिसमें पहली बार वोट देने वाले युवा भी शामिल है। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में मेरा पहला वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। बिहार
बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार यह भागलपुर में भी आयोजित किया गया है, जिसमें उन युवाओं को जोड़ा जा रहा है जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और वो इस बार 2024 के चुनाव में पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। साथ ही 24 वर्ष तक के युवाओं को इसमें जोड़ने का कार्य काफी तेज रफ्तार से चल रहा है, जिसका मूल मकसद है 2024 में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाना और राहुल गांधी को इस बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जानकारी प्रेस वार्ता कर भागलपुर के युवा कांग्रेस प्रवक्ता विकास सिंह ने दी।